बरेली जिला अस्पताल में खड़ी रहती है प्राइवेट एम्बुलेंस। अधिकारियों की जानकारी के बाद भी नहीं की गई अभी तक कोई कार्रवाई। मरीज को जिला अस्पताल में खराब इलाज बताकर भेज दिया जाता है कुल्हाड़ा पीर रोड स्थित प्राइवेट अस्पताल। थाना बिसारतगंज के गांव डका निवासी महेश पुत्र वीरपाल हल्द्वानी में मजदूरी करता है। सोमवार को हल्द्वानी से वापस अपने घर आ रहा था। रास्ते में जहर खिलाने गिरोह के सदस्य नशा देकर रुपए और मोबाइल लूट लिए। बेहोशी हालत में उसे 108 एम्बुलेंस द्वारा कैंट गेट से लाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने परिवार वालों को सूचना दी। परिवार वालों का कहना है कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा यहाँ पर अच्छा इलाज नहीं होता है, प्राइवेट ले जाओ। ऐसा लगता है जिला अस्पताल के डॉक्टरों का प्राइवेट अस्पताल से कोई सेटिंग हो गई है। मरीजों को जिला अस्पताल से प्राइवेट भेज दिया जाता है, इसलिए प्राइवेट वेग अस्पताल की एम्बुलेंस जिला अस्पताल परिसर में 2-3 रोजाना खड़ी रहती है। अस्पताल के अधिकारियों को जानकारी है, उसके बावजूद भी उन प्राइवेट एम्बुलेंस पर कोई सख्ती नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग को लगातार चूना लगाया जा रहा है। भाई मैं बताओ, क्या नाम है? ओम प्रकाश। क्या हुआ तुम्हारे भाई को? मेरे भाई नहीं है, साला है। साला क्या हुआ था? इन्हें नशा दे दिया फिर, और इन पे इलाज करवाने के लिए आए थे हम लोग जिला अस्पताल में। हाँ, और ये कह रहे थे, बोले थे प्राइवेट में ले जाओ। क्यों? कह रहे इन पे इलाज नहीं होता सही। किसने भेज दिया? डॉक्टर साहब ने कहा था मुझे अंदर बुला के। कहाँ से आ रहे थे तुम्हारे भाई? जे आ गए हल्द्वानी से। कहाँ के रहने वाले हो? मैं रहता हूँ करेली, जे रहते हैं इसका क्या नाम है, डका। हल्द्वानी में काम करते हैं? हाँ, राजगिरी का काम करते हैं। तो भर्ती कर लिया गया था, क्या हुआ था? हाँ, तो उनका इलाज नहीं हो रहा था, जो ऐसे ही आए थे हम तो पड़े थे। अच्छा। हाँ, बाहर ले जाने के लिए प्राइवेट? हाँ, प्राइवेट में ले जाने के लिए कह दिया। तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, इलाज यहाँ अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं होगा। क्या कहा था? अच्छा इलाज नहीं होगा, बोले प्राइवेट में ले जाओ। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र उसका बाजार के कूड़ा नदी में कल एक 22 वर्षीय युवक भैंस चराने गया था, जिससे युवक का पैर फिसल जाता है और नदी का तेज बहाव होने के कारण पानी में बह जाता है। इसकी सूचना मिलते ही आला अधिकारी पहुंचे और एनडीआरएफ की टीम पहुंचकर खोजबीन में जुटी रही, जिससे काफी खोजबीन करने के बाद युवक का शव बेडसड़ घाट पर मिला। युवक का शव मिलने से परिवार में मातम छा गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जब युवक डूब रहा था तो कुछ लोगों ने देखा भी और कुछ देर के बाद नजर नहीं आया और 24 घंटे के बाद युवक का शव मिला। वहीं उपजिलाधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि कल एक युवक भैंस चराने के लिए आया था और उसका पैर फिसल जाने के कारण नदी में बह गया और एनडीआरएफ की टीम को बुलवाकर खोजबीन करवाई गई और आगे की कार्यवाही की जा रही है। कल अपराह्न 3:30 बजे प्रति बाजार के रहने वाला एक युवक है, पिंकू पुत्र उदयराज, उम्र करीब 22 वर्ष, ये अपनी भैंस नहला रहा था नदी में। उसी वक्त एक प्रवाह तेज था तो उसमें पैर फिसल जाने से ये बह गया प्रवाह में। उसके बाद फिर जो है हम लोगों को सूचना मिली थाना उसका बाजार के साथ में हम लोग लगे रहे। एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई, वो भी सर्च ऑपरेशन सुबह से चला रही थी, लेकिन अभी ग्रामीणों द्वारा करीब 2 बजे अवगत कराया गया कि वो जो है डेड बॉडी जो है यहाँ बगल के गाँव में नौकनिया और बेलखंड के बॉर्डर पर चिन्हित हुई है। फिर ग्रामीणों की मदद से उसको निकलवाया गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। हसगंज जनपद के डुंडवारा कोतवाली क्षेत्र के गाँव पचपोखरा में नामजद लोगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट कर दी। पीड़ित परिवार ने जब गाली गलौज करने व
मारपीट का विरोध किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। पीड़ित परिवार ने इलाका पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि कासगंज जनपद के गंज डुडवारा कोतवाली क्षेत्र के गांव पच पोखरा में इरफान पुत्र अब्दुल रहीम खान ने बताया कि मैं अपने परिवार के साथ घर में खाना खा रहा था। इसी दौरान गांव के आले नबी गुलाब हसन रफत व मोहम्मद कैफ घर में घुसाए, मुझे और मेरे परिवार वालों को गंदी गंदी गालियां देने लगे। जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने लाठी डंडों से मारपीट की, जिससे हमारे काफी चोटें आई हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने कासगंज एसपी बीवीजीटीएस मूर्ति से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। पहले विवाद चल रहा था, मकान पकान चाचा खसाने के लिए आए थे, तो वो तहरे फहरे चाचा तहरे पहरे दे गया तो मैं साथ में चला गया था। बुरी रंजित मुझसे मांगने लगे। 19 तारीख को मेरे घर पे आए, मेरी बहन की और चाचा के लड़के की और लड़की की है ना, उनकी मारपीट की। उसके बाद में मैं FIR है ना, मेरे पापा FIR लेने के लिए गए, FIR दे दी, वहाँ थाने हैं ना, थाने देने के बाद फिर आ गए। उसके बाद में ना वो लोग रोज़ धमकी दे रहे हैं, कोई पुलिस कोई भी है सुनवाई नहीं कर रही है। धमकी दे रहे हैं ना, तहरीर वापस ले लो, जान से तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे परिवार वालों को, किसी को मार देंगे। हमें ना बहुत दबंग लोग हैं वो। तो फिर आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो, नहीं कोई पुलिस ने सुनी तो मैं कप्तान साहब के पास गया। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। मैनपुरी जनपद के बिछवा थाना क्षेत्र के ग्राम चांदपुर में आज उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह पहली बार ग्राम चांदपुर में पहुंचे, जहां पहले से ही भारी संख्या में मंत्री जयवीर सिंह को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। बहुत से ग्रामों के बुजुर्ग, नौजवान, युवा, महिलाएं भी शामिल थी। उनका जोरदार फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। चुनाव के बाद पहली बार मंत्री बनने के बाद जयवीर सिंह का पहला दौरा उच्च प्राथमिक विद्यालय चांदपुर हुआ। इस स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन चांदपुर के ग्राम प्रधान राहुल चौहान व क्षेत्रवासियों के सहयोग से किया गया, जिसमें दर्जनों संख्या में ग्राम प्रधान मौजूद रहे। बारी बारी से मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। यहां मंत्री जी ने ग्रामवासियों का धन्यवाद दिया। उसके बाद मंत्री जी ने ग्रामवासियों के अनुसार ग्राम चांदपुर में एक बारात घर और ग्राम नौगांव सड़क मार्ग से महाराज जी बाबा ग्राम पराहर तक सड़क बनवाने का आश्वासन दिया। यह सुनकर सभी के चेहरे खिल उठे और मंत्री जी के जय हो चारों तरफ सुनाई देने लगी। ब्लॉक प्रमुख जागीर, हमारे सम्मानित नगर के दोनों अध्यक्ष जी, तीनों अध्यक्ष जो कि अध्यक्ष बैठे, पार्टी के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय राजू भाई, संचालन जगह आदरणीय सुभाष जी चौहान साहब, और इस गाँव के सम्मानित नौजवान जिनकी कृपा से ये आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उनका आभार धन्यवाद। और विशेष रूप से जितने भी हमारे बैठे हुए बहुत बहुत आदरणीय सम्मानित बुजुर्ग, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। पत्रकार साथियों, मातृशक्ति, आप सब लोगों को हम लोग इस बात के लिए प्रणाम करने आए हैं, बधाई देने आए हैं, आभार प्रकट करने आए हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव जो फरवरी में जिसके लिए आपने वोट डाला, आपने जिस तरीके से पिछली दो बार से भारतीय जनता पार्टी का सुंदरता पर थी, समाजवादी पार्टी का मैनपुरी विधानसभा पे लगातार कब्जा था, अशोक यादव जी के, अशोक चौहान साहब के हारने के बाद, हालांकि अशोक चौहान साहब जब चुनाव लड़ते थे, जब MLA दोनों को आपने उठाने का काम किया था, तब परिस्थितियां पुराने पश्चिमन के हिसाब से नहीं थी। नए पश्चिमन में वो क्षेत्र जो कहा जाता पंचपटी और ढोलवाला नगला जिला और वो इलाका, वो सब कहर में समाहित हो गया। बल्कि पावर हाउस तक का हिस्सा मैनपुरी के
शहर में घुसा हुआ है, वो भी कैरियर में चला गया, उसका परिस्थितियां बदली, सामाजिक और राजनीतिक का वातावरण बदला और लगातार दो बार से समाजवादी पार्टी ने मैन फील्ड पर कब्जा करने का काम किया। लेकिन बधाई देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे कि इस बार आपने अंगड़ाई ली, आपने निर्णय लिया और आपने कर्तव्य किया कि उसी कर्तव्य का परिणाम था कि आपके कृपा से हर सीमा से जिस तरीके से आपने चुनाव की कमान अपने हाथ में लेकर के चुनाव लड़ा, एक एक कार्यकर्ता ने और खासकर क्षत्रिय समाज ने, मैं खड़के कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से अपने हाथ में लेकर के चुनाव लड़ा, जिस तरीके से बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बरेली रविवार की रात को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में क्षेत्र अधिकारी नगर द्वितीय थाना बारा दरीवा थाना प्रेमनगर पुलिस टीम एवं अन्य सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मी द्वारा शहर क्षेत्र अंतर्गत चल रहे कैफे को चेक किया गया, जिसमें थाना बारा दरी क्षेत्र अंतर्गत एक कैफे अपनी टपरी में हुक्का बार चलता हुआ पाया गया। अपनी टपरी कैफे संचालक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस व एक्साइज की संयुक्त टीम द्वारा थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत रूफटॉप कैफे एंड रेस्टोरेंट को चेक किया गया, जिसमें बिना लाइसेंस की शराब पिलाई जा रही थी। कैफे संचालक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। देखिए, आज दिनांक 28/7/2022 को थाना बारादरी क्षेत्र के अंतर्गत अपनी टपरी नाम की कैफे में पुलिस द्वारा रेड की गई, जिसमें अवैध रूप से संचालित हो रहे हुक्का बार पर छापा मारकर हुक्का बार की सामग्री को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है और इसके ओनर के खिलाफ एक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा थाना प्रेम नगर स्थित एक कैफे रूप टॉप है, जिसके पास एक्साइज का कोई लाइसेंस नहीं था और अवैध रूप से बार का संचालन कर रहा है, इसमें थाना प्रेम नगर और एक्साइज की संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की गई है और इस दुकान को सीज किया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता, रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। बरेली पहुंचे नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने 65.67 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सर्किट हाउस में हुए कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। पीएम आवास योजना के तहत 20 लाभार्थियों को आवासों की चाबी सौंपी गई। साथ में पीएम स्वनिधि से जुड़े वेंडरों को प्रशस्ति पत्र सौंपा गया। सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे नगर विकास मंत्री ए के शर्मा सहित तमाम जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। नगर विकास मंत्री ने लोकार्पण शिलान्यास करने के बाद मंच से कहा कि बरेली भारत वर्ष में एक गौरवशाली बनेगा। उन्होंने कहा कि तमाम जनप्रतिनिधियों की मदद से ही नगरीय क्षेत्र के विकास में सहयोग मिला है और इसीलिए हम सबको आशा जगी है कि हमारे नगरीय क्षेत्रों का जो योगदान अर्थव्यवस्था में होता है, हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग जो 28% जो जनता रहती है शहरी क्षेत्रों में, उसका अर्थव्यवस्था में योगदान, जीडीपी में योगदान लगभग 65% है। मतलब कि एक तिहाई जनता का अर्थव्यवस्था में योगदान
दो तिहाई से भी ज्यादा है, ये वो आप कह सकते हैं। तो ऐसे ऐसी जगह का, ऐसे जो हमारे विकास के केंद्र है, ऐसे जो हमारे ग्रोथ के सेंटर है, उनमें स्वाभाविक रूप से हमें ज्यादा काम करना होगा, उनके विकास में ज्यादा ध्यान देना होगा, जिससे शायद उनका विकास के विकास में जो योगदान है और भी ज्यादा बढ़ सके। और इसी जरिए यही करते हुए हम देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, यही करते हुए हम अपने प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था आने वाले कुछ 4-5 साल में बनाना चाहते हैं। और उसमें यहाँ शहरी जो क्षेत्र है, नगर जो निकाय है, उनका बहुत योगदान होने वाला है। तीसरी बात कि हमारे पर्यावरण मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे नगरीय क्षेत्रों का, नगरीय विस्तारों का, शहरी विस्तारों का अगर पर्यावरण अच्छा होगा, जहां 1/3 आबादी रहती है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे पूरे प्रदेश का, पूरे जिले का, पूरे देश का भी पर्यावरण जो है अच्छा होगा। क्योंकि औद्योगिकरण की बात करिए, व्यापार की बात करिए, ट्रांसपोर्ट की बात करिए, तो प्रदूषण के बहुत सारे जो उपाय तो नहीं शब्द ठीक है, लेकिन प्रदूषण के बहुत सारे कारण शहरी विस्तारों में विद्यमान होते हैं। और वहां जब एक कंसंट्रेशन हो जाता है पूरे प्रदूषण का, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, तो उसका असर अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ता है। तो ऐसे में हमारा ये दायित्व है कि हम पर्यावरण की भी चिंता करें शहरों में। अभी मैं आते हुए माननीय मंत्री जी का प्रथम बार नाथ नगरी बरेली में बरेली वासियों, बरेली अधिकारियों एवं सभी जनप्रतिनिधि आपका स्वागत करते हैं। फैशन का बड़ा नाम लिया जा रहा था कि अरे उमेश जी आए हैं, बड़े बरेली में काम करा रहे हैं। ऐसे हमारे मेयर जी और जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और यहाँ की नगर आयुक्त, सामने बैठे सभी पार्षद, मीडिया बंधु और हमारी आंगनबाड़ी बहने, माननीय सांसद जी को, माननीय मंत्री ने जो विकास कार्य किए, गंगा बहाई है, इसके लिए आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड,
फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी, बाउंसर, लड़के लड़कियां, वीआईपी, वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा, बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी, नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।